मित्रों, हिंदू धर्म में गाय को पूजनीय माना गया है, इसलिए उन्हें गौ माता भी कहा जाता है। कहते हैं कि गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है, इसीलिए वो सबसे पवित्र होती हैं। लेकिन क्या आपने यह सोचा है कि यदि सपने में गाय दिखे तो आपके साथ क्या होगा? नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। बता दें, हम सभी अपने जीवन में बहुत तरह के सपने देखते हैं। कुछ सपने अच्छे होते हैं और कुछ हमें डरा जाते हैं। कभी कभी सपने हमें हमारे आने वाले भविष्य का संकेत देते हैं। हर सपने के पीछे कोई ना कोई कारण छिपा रहता है, जिसके बारे में स्वप्न शास्त्र में विस्तार से बताया गया है। अधिकतर लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि यदि आपको सपने में गाय दिखाई देती है तो इसका क्या अर्थ है? स्वप्न शास्त्र के अनुसार सपने में गाय दिखाई देना एक अच्छा संकेत माना जाता है। इसका मतलब है कि आपके आने वाले जीवन में आपको बहुत सी खुशियां मिलने वाली हैं। आपके परिवार का समाज में सम्मान बढ़ेगा तथा व्यापार में भी उन्नति प्राप्त होगी। वहीं सपने में अगर गाय का बछड़ा दिखाई दे तो यह सपना भी अच्छा माना जाता है, यानी कि आने वाले दिनों में आपको धन लाभ होने की संभावना है और आप अपने हाथों से जो भी काम करेंगे वह सफल ही होगा। इसका अन्य अर्थ यह भी है कि आप अपने आप को सपने में गाय को रोटी खिलाते हुए देखते हैं तो सपना आपके लिए बहुत अच्छा है। स्वप्न शास्त्र के अनुसार यह सपना आपके दीर्घायु होने की ओर इशारा करता है। यदि आपका या आपके परिवार के किसी सदस्य का स्वास्थ्य काफी समय से खराब चल रहा है तो जल्द ही वह सही होने वाला है। और तो और, आप सपने में गाय का झुंड देखते हैं तो इसका मतलब है कि जल्द ही आपको बहुत सा धन लाभ होने वाला है। यह सपना आपको जल्द ही धनवान बनने की तरफ संकेत करता है। वहीं गायों से जुड़ी ऐसी भी चीजें होती हैं जो असल जिंदगी में देखने से आपकी किस्मत बदल देती हैं। ऐसी ही कुछ चीजों का जिक्र गरुड़ पुराण में किया गया है, तो आइए जानते हैं उनके बारे में। गाय का दूध। गाय के दूध को अमृत के समान माना जाता है। गरुड़ पुराण की माने तो गाय का दूध देखने भर से ही व्यक्ति को बहुत पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही कई पूजा पाठ के बराबर पुण्य भी मिलता है। गोबर। गाय के दूध के साथ उसका गोबर भी बहुत शुभ माना जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि गाय के गोबर का बहुत महत्व होता है। कई पूजा पाठ और मांगलिक कार्यों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। वहीं किसी भी स्थान को पवित्र करने के लिए गाय के गोबर से लीपा भी जाता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार गौ के पैरों में सारे तीर्थ और गोबर में साक्षात माता लक्ष्मी का वास होता है। वहीं गरुड़ पुराण के अनुसार गाय का गोबर देखने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, अगर आपके घर के दरवाजे के सामने गाय गोबर कर जाए तो यह सुख समृद्धि आने का संकेत माना जाता है। कहा जाता है कि अगर मन में श्रद्धा रखकर गाय के गोबर को देखा जाए तो पुण्य की प्राप्ति होती है। गौशाला। पुराने समय में लोग अपने घरों में गाय को पालते थे और अच्छी तरह उसकी देखभाल भी करते थे। आज के दौर में भी ज्यादातर गांव में ऐसा किया जाता है। लोग उसकी रोजाना पूजा अर्चना करके अपने जीवन में सुख और समृद्धि लाने का प्रयास करते थे। इस तरह के लोग गाय की सेवा करना अपना कर्तव्य मानकर करते थे। गौशाला बनवाना, गायों की सेवा करना, गौशाला के लिए दान करना तो बहुत शुभ माना ही गया है। लेकिन आपको बता दें, गरुड़ पुराण के अनुसार गौशाला को देखना भी बहुत अच्छा माना गया है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि ऐसा करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। यह एक प्रकार का शुभ संकेत भी होता है। गोधूली। कई बार आपने देखा होगा कि गाय अपने खुरों से जमीन को खुरचती है। ऐसा करने पर जो धूल निकलती है उसे गोधूली कहते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति इस तरह से गाय को जमीन खुरचते हुए देखता है तो यह बहुत शुभ माना जाता है। कहा जाता है गोधूली देखने के बाद आपके सारे बिगड़े काम बन जाते हैं। गोखुर। गाय की मिट्टी खुरचने के बाद वह मिट्टी उसके पैरों में लग जाती है। पैरों में लगी उस मिट्टी को बहुत पवित्र माना जाता है। गौ माता के पैरों में लगी इस मिट्टी का जो व्यक्ति रोज माथे पर तिलक लगाता है उसे किसी भी तीर्थ में जाने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उसे सारा फल उसी समय तिलक मात्र से प्राप्त हो जाता है। वहीं गरुड़ पुराण में कहा गया है कि अगर कोई गाय के पैरों के दर्शन करता है तो वो तीर्थ करने के बराबर होता है। इसके अलावा गाय के खुरों को देख लेने मात्र से ही पुण्य की प्राप्ति होती है। गौमूत्र। गाय और उससे जुड़ी हर एक चीज हमारे सनातन धर्म में पवित्र मानी गई है। गौमूत्र भी उन्हीं में से एक है। गौमूत्र के दर्शन करना शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि गौमूत्र में माता गंगा का वास होता है। गंगा को सभी पापों का हरण करने वाला माना गया है। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है कि गौमूत्र का सेवन व्यक्ति के लिए काफी अच्छा होता है। पूजा पाठ के दौरान भी गौमूत्र का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं गरुड़ पुराण में बताया गया है कि गौमूत्र बहुत शुद्ध और पवित्र होता है और अगर कोई व्यक्ति गौमूत्र देख भी ले तो उसे पुण्य की प्राप्ति होती है। तो मित्रों, आपने जाना कि स्वप्न में दिखे गाय तो बदलने वाला है आपका भाग्य, और गरुड़ पुराण के अनुसार इन चीजों को देखने से संवर जाती है मनुष्यों की जिंदगी।
अगर आपको पहले से किसी बात की जानकारी थी तो नीचे हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आज की वीडियो में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो के जरिए आपको कई सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दें इजाजत। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, अब आप हमारे सभी वीडियो फेसबुक पर भी देख सकते हैं, जिसके लिए आपको फेसबुक पर द डिवाइन टेल्स के पेज को लाइक और फॉलो करना होगा।